I keep a watch list of individuals and beings from other realms that may be a threat to this world. Look around you. It's over. You still think there will be no consequences? No price to pay. रिवील हो गई मूवी की ओटीटी रिलीज डेट। क्या फिल्म करेगी अब डबल कमाई? दोस्तों, बेनेडिक्ट कम्बरबैच की मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस डेफिनेटली एमसीयू की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स है। ये मूवी इसी साल 6 मई को रिलीज हुई और एक बड़ा अमाउंट कलेक्ट किया। सभी लोग इस फिल्म की परफॉर्मेंस से बेहद इम्प्रेस हुए और फाइनली मूवी का थिएटर पीरियड अब खत्म हो चुका है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इस मूवी की अर्निंग्स का अंत हुआ है तो आप डेफिनेटली गलत हैं, क्योंकि अभी तो फिल्म की ओटीटी कमाई शुरू भी नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद एमसीयू ने फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज की ओटीटी रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। वेल हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज से मैं हूँ मासूमी और आज हम बात करेंगे एमसीयू की लेटेस्ट मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में। हाल ही में बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने एक वीडियो में अपनी ग्रेटफुलनेस एक्सप्रेस की और एमसीयू फैंस का धन्यवाद किया उनकी मूवी को इतना प्यार देने के लिए, और साथ ही इस ग्रेट मूवी की ओटीटी रिलीज डेट भी तय की। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए आपका सस्पेंस ख़त्म करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ये फिल्म ओटीटी पर कब अवेलेबल होने वाली है। बता दें कि ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 22 जून से अवेलेबल हो जाएगी और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसके थोड़े समय बाद ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर भी फीचर होगी। दोस्तों, अगर मूवी की ओटीटी से अर्निंग के बारे में बात करें तो बता दें कि ये फिल्म ओटीटी से एक बड़ा रिवेन्यू जनरेट करने वाली है। जो फैंस मूवी का ओटीटी पर वेट कर रहे थे वो तो फिल्म देखेंगे ही, और एमसीयू का इतिहास इस बात का गवाह है कि उनकी कोई भी फिल्म वन टाइम वॉच नहीं होती। थिएटर्स में जिन्होंने भी मूवी देखी वो डेफिनेटली ओटीटी पर भी फिल्म को दोबारा देखना चाहते ही हैं। साथ ही जो लोग एमसीयू फैंस नहीं भी हैं वो भी कई बार मार्वल मूवीज ओटीटी पर देखते हैं टू फाइंड आउट कि आखिर इसमें इतनी क्या बड़ी डील है। तो हमारे नॉन मार्वल फैंस जो कि थिएटर्स में मूवी देखने नहीं गए, उनके लिए एमसीयू का फैन बनने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि मूवी की कुल थिएट्रिकल अर्निंग से $800 मिलियन के करीब अमाउंट कलेक्ट हो चुका है। हालांकि फिल्म बिलियन डॉलर मार्क तो हिट नहीं कर पाई, लेकिन अब ओटीटी से जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो डेफिनेटली इस मूवी को बिलियन डॉलर के पार पहुंचा ही देगा। वेल दोस्तों, क्या आपने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखी या नहीं, और आप फिल्म को ओटीटी पर स्ट्रीम करेंगे या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।